हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज लेक्चर 12th। लेक्चर 11th में हमने नोस्टॉक को स्टार्ट कर दिया था। हमने उसका स्ट्रक्चर देख लिया कि कैसा हो सकता है, मतलब थैलस ऑर्गेनाइजेशन देख लिया और हमने अकरेंस देख लिया। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हम लाइफ साइकिल की बात भी कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। जब हमने साइनोबैक्टीरिया देखा इन जनरल, तो हमने देखा वहाँ पे कैसे हो रहा है। एक तो हो रहा है मेन जो है वो है बाइनरी फ्यूजन से हो जा रहा है, बाइनरी फ्यूजन से हो जा रहा है। दूसरा हमने देखा फ्रेगमेंटेशन से हो जा रहा है, देन स्पोर्स से हो जा रहा है, हेट्रोसिस से हो जा रहा है या होर्मोगोनिया से हो जा रहा है। ये बहुत सारे तरीके थे। अब क्योंकि नोस्टॉक क्या है, एक फिलामेंटस एल्गी, तो वहाँ पे बाइनरी फ्यूजन तो खत्म हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर्स, हेट्रोसिस और होर्मोगोनिया वो यहाँ पे बच जाएंगे। तो अब उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम हालांकि डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम नोस्टॉक को लेकर थोड़ा हम डिस्कस करते हैं ताकि हम उसकी लाइफ साइकिल ड्रॉ कर सकें। फ्रेगमेंटेशन सिंपल है, ये फ्रेगमेंट है, सॉरी दिस इज फिलामेंट, ये कहीं से ब्रेक हो गया, फ्रैक्चर हो गया और ये दो छोटे छोटे से फिलामेंट बन गए। ये आगे ग्रो करके पूरे बड़े बड़े फिलामेंट अपने बना लेंगे, बस सिंपल सी बात है फ्रेगमेंटेशन में, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये काइनेट्स में हमने देख लिया, ये मेनली जो होते हैं वो होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने के लिए बनते हैं, लेकिन जब ये जर्मिनेट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक न्यू फिलामेंट बना लेते हैं। इसीलिए हम इसको ले लेते हैं कि ये रिप्रोडक्शन कराने में, मतलब ए सेक्सुअल प्रोडक्शन कराने में हेल्प कर रहा है। सिंपल सी बात है, एकाइनिट्स हमने बहुत डिटेल में पढ़ चुका है। हेट्रोसिस्ट जो होता है वो भी बन सकता है एक रीजन ए सेक्सुअल प्रोडक्शन का। मेनली हेट्रोसिस्ट जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ही होता है, लेकिन ओकेजनली या रेयरली हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर सकता है कुछ स्पीशीज, जैसे कि यहाँ पे स्पेसिफिक होकर लिखा है नोस्टॉक कम्यून। इसमें क्या होता है, हेट्रोसिस्ट में जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू फिलामेंट। कैसे, सीन दिस डायग्राम, ये नोस्टॉक है, सॉरी दिस इज हेट्रोसिस्ट, और ये इस तरह से फिलामेंट बनाना स्टार्ट कर देगा और बाहर की वॉल जो है ये हेट्रोसिस्ट के ब्रेक हो जाएगी और फिलामेंट क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। देन होर्मोगोनिया, होर्मोगोनिया मैंने आपको बताया कैसे हो सकता है कि हमारा क्या है, फिलामेंट है, एक लंबा सा फिलामेंट बना लेते हैं। मान लीजिए एक कंडीशन हो सकती है, यहाँ पे कोई डेड सेल हो गया, यहाँ पे कोई डेड सेल आ गया, ये सेल क्या हो गया, डेड हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो क्या, छोटे छोटे से दो फिलामेंट बन गए, इनको हम क्या बोलते हैं, होर्मोगोन्स वोन्स। ये एक फिलामेंट बन गया और ये एक अलग से फिलामेंट बन गया, ये क्या हो गए, अपने होर्मोगोन्स हो गए, और यही क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो। तो या तो कोई डेड सेल की वजह से हो जाता है, या हमने पढ़ा था कि इनके बीच में एक सेपरेशन डिस्क बनती है उसकी वजह से होर्मोगोनिया बन सकता है। तो एडल्ट कॉलोनी जब हो जाती है ना, नंबर ऑफ फिलामेंट्स इन द एडल्ट कॉलोनी और मे टू द कॉलोनियल म्यूसिलेज डेवलप अ न्यू कॉलोनी बाय इट्स डिवीजन। होर्मोगोनिया जो है एक कॉलोनी के अंदर ही फिलामेंट टूट टूट के होर्मोगोन्स बनाते जाएंगे, जिसकी वजह से एक कॉलोनी का साइज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो कॉलोनी खुद पर खुद ब्रेक हो करके एक नई कॉलोनी बना लेगी। तो देखा जाए, अगर मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ कि ये क्या है, एक अपनी कॉलोनी है, छोटी सी हम कॉलोनी बना लेते हैं जिसमें ये क्या है, दो तीन फिलामेंट है। इसमें क्या हो सकता है, एक केस कि फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, कि फ्रेगमेंटेशन हो गया है। फ्रेगमेंटेशन से क्या होगा कि ये अपने ये टूट गए और ये नई कॉलोनी बना लेंगे। एक केस हो सकता है ए काइनेट्स बन सकते हैं। ए काइनेट्स कैसे बनते हैं, बीच में क्या बन गया कोई, कि ये अपना फिलामेंट है, इसके बीच में क्या बन गया, एक रिजर्व फूड वाला जिसमें बहुत सारा फूड है, या थिक वॉल जो स्ट्रक्चर है वो बन गया, और ये जब जर्मिनेट होएगा तो ये भी क्या बनाएगा, एक नई नई कॉलोनी बना लेगा। तो ये दो तरीके हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें, हमने देखा क्या हो सकता है कि हेट्रोसिस्ट हो सकता है, कि हेट्रोसिस्ट की वजह से क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है, ये अपना अपना सेल है, इसके अंदर ये हेट्रोसिस्ट है, ये क्या करना स्टार्ट कर जाएगा, जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गया, इसके अंदर अंदर ही इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जर्मिनेट होना स्टार्ट कर दिया, ये डिवीजन स्टार्ट हो गया अंदर ही अंदर। तो ये फाइनली क्या बना लेगा, एक नई कॉलोनी बना लेगा। इसी तरीके से डेवलप होते होते हेटोसिस्ट की वॉल जो है वो ब्रेक हो जाएगी और क्या बना लेगा, एक नई कॉलोनी बना लेगा। तो ये एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा एक हो सकता है कि होर्मोगोनिया से हो जाए, होर्मोगोनिया से हो सकता है, होर्मोगोनिया हमने सिंपल पढ़ लिया है, ये अपना फिलामेंट है, ये बीच में से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मान लो यहाँ पे कहीं पे हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट था, दिस इज हेट्रोसिस्ट, तो ये हेट्रोसिस्ट है और इसके आगे का फिलामेंट है आपको हेट्रोसिस्ट, क्योंकि एक डेड सेल की वजह से हो सकता है और हेट्रोसिस्ट की वजह से भी कई बार ये जो होते हैं फिलामेंट ब्रेक हो जाता है।
आगे ये फिलामेंट जो है, ये आगे का फिलामेंट है, हेटरोसिस्ट की साइड से ब्रेक हो गया और ये फिलामेंट इतना हो गया, तो आगे ये क्या हो जाएगा, ये डेवलप हो जाएगा, अपने में ग्रो करना स्टार्ट कर देगा और एक नई नई कॉलोनी बना लेगा। एक तरीका ये हो सकता है। इसके अलावा एक तरीका हो सकता है कि ये क्या बना ले, स्पोर्स बना ले, एंडोजिनस स्पोर्स। स्पोर्स भी कैसे, एंडोजिनस स्पोर्स बना ले। कैसे बना सकता है वो भी देख लेते हैं। ये क्या है, एक हेटरोसिस्ट का सेल है, हेटरोसिस्ट का सेल है, इसके नीचे वाला जो सेल है उसने स्पोर्स बनाने स्टार्ट कर दिया अंदर ही अंदर। तो मैं आपको अभी डायग्राम भी दिखाऊंगी, अंदर ही इस तरीके से स्पोर्स बनने स्टार्ट हो गए। जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये क्या करेंगे, अपना जर्मिनेट हो जाएंगे। यही लाइफ साइकिल में आएगा, जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ यही आपके लाइफ साइकिल में आएगा और ये आगे क्या हो जाएंगे, एक नई कॉलोनी बनेगी। तो इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, एकाइनिट से हो सकता है, हेटरोसिस्ट, होर्मोगोनिया, स्पोर्स, किसी को भी यूज करके अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं। सी दिस डायग्राम, ये एकाइनिट्स हैं। एकाइनिट्स का अगर जर्मिनेशन आप देखो तो वो कैसे होता है, दिस इज एकाइनिट्स, ये एकाइनिट्स है, एकाइनिट्स की बोल निकल गई, इसी में अंदर जर्मिनेशन होने स्टार्ट हो गया और एक नया फिलामेंट निकल गया। होर्मोगोन इसलिए लिखा है क्योंकि एक जो छोटा फिलामेंट होता है उसे होर्मोगोन बोल देते हैं, इसलिए होर्मोगोन लिखा है। इसके अलावा हेटरोसिस्ट से हो सकता है कि हेटरोसिस्ट से डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ था और हेटरोसिस्ट की बोल रप्चर होकर एक नया फिलामेंट निकल गया। इसके अलावा ये फिलामेंट था, इसमें एक वेजिटेटिव सेल जो है उसने एंडोस्पोर बनाने स्टार्ट होकर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और एक नया फिलामेंट या एक नई कॉलोनी बना लेगा। इसके अलावा ये जो है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे डिवीजन हो गया है, दो नए फिलामेंट बन गए जिनको क्या बोल रहे हैं, होर्मोगोन्स बोल रहे हैं। और रीजन क्या था, यहाँ पे हेटरोसिस्ट, क्योंकि कई बार जो हेटरोसिस्ट होता है ना वो लाइफ टाइम के लिए एक्टिव नहीं होते हैं, उनका सेनेसेंस आता है एक टाइम पे, जिन्हें थोड़े दिन काम किया, नाइट्रोजन फिक्स किया, कमी पूरी हो गई जैसे नाइट्रोजन की, वो मरने लगते हैं। तो वहां से उसके मरने की वजह से वहां पे उसका अटैचमेंट लूज होता है और वो डिवाइड हो जाता है फिलामेंट, उसको हम होर्मोगोन्स बोलने लगते हैं उन छोटे छोटे फिलामेंट्स को, और ये वापस से क्या करने लग जाते हैं, फिर जर्मिनेट करते हैं और बड़े बड़े फिलामेंट बना लेते हैं, अब नई कॉलोनीज बना सकते हैं। इन दिस डायग्राम इसमें भी यही दिखाया गया है कि सीजन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, समर, ऑटम, विंटर, ये स्प्रिंग, चार तरह के सीजन है। इसमें लाइट, न्यूट्रिएंट जब लिमिटेशन हो गई है तो यहाँ पे एकाइनिट्स बनना स्टार्ट हो गया, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन स्टार्ट हो गई, ये एकाइनिट्स ने डेवलप करना स्टार्ट किया और एक नया क्या है, एक नया फिलामेंट बना लिया। जैसे स्प्रिंग सीजन आया, लाइट अवेलेबल हुई, मतलब एक फेवरेबल कंडीशन आई तो एक नया फिलामेंट बन गया। नाइट्रोजन फिक्स हो गया, हेटरोसिस्ट बन गया इसमें, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फिक्स करना है, क्योंकि नाइट्रोजन का क्या यहाँ पे क्या हो रही है, लिमिटेशन हो रही है, तो यहाँ पे हेटरोसिस्ट का बनना शुरू हो गया। और जिस फिलामेंट में हेटरोसिस्ट होता है वहीं एकाइनिट होता है, या वाइस वर्सा कह लो, एकाइनिट और हेटरोसिस्ट क्या है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। इनको ऐसा माना गया है कि जहाँ जिस स्पीशीज में या जीनस में हेटरोसिस्ट होता है उसी में एकाइनिट मिलता है, या एकाइनिट वाले में हेटरोसिस्ट मिलता है, तो माना गया है एक दूसरे का इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन है इवोल्यूशन में, तो यहाँ पे एकाइनिट डेवलप। इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं, इसके लाइफ साइकिल को। तो इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्लोरोफाइटा। थैंक यू सो मच। अरे एक मिनट, देखिए पसंद आया वीडियो तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोराबाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एडुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और आईआईटी से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वेरायटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की, आज ही हमारे और आपके डोराबाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए।